ओके गोल्डी यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स दे आर नॉट जॉइनिंग द क्लास ओके ओनली टू स्टूडेंट गुड सो व्हाट वी वाज रीडिंग इन आवर प्रीवियस क्लास एम आई ऑडिबल टू यू यस सर। सर जीसीडी पढ़े थे हम लोग। जीसी ने जीएफ पढ़ रहे थे हम लोग, गैलोस फील्ड ऑफ 2 रेज़ टू द पावर एन के फॉर्म वाले फील्ड के बारे में पढ़ रहे, ठीक है। एंड यस वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट जीसीडी रिलेटेड विद पॉलीनोमियल। ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। In the meantime, if your classmates still not. So let's start today's with confidentiality. Have you heard this term? What is confidentiality in general sense? Okay. Pooja Kumari. So what is the meaning of confidentiality? If I am telling you that a particular information or document is confidential, then what is the meaning of that? Yes, students, what is the meaning of confidentiality? मतलब किसी को बताना नहीं, जैसे सीक्रेट, मतलब कि वही सर कि सीक्रेट रखना हो उसको, किसी और को नहीं बताना। यस इट मींस द कंटेंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड एंड इट इज ओनली डिस्क्लोज्ड बिटवीन द पार्टीज सेंडर एंड रिसीवर। फॉर देम द मैसेज
इज इंटेंडेड, बट फॉर द थर्ड पार्टी लाइक आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट मैन इन मिडिल अटैक, इट मीन्स कि अगर अगर हम ए और बी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और देर इज अ थर्ड पार्टी नोन एज सी, ओके, सो इफ एनी हाउ वी हैव सीन दैट वेरियस काइंड्स ऑफ क्रिप्टोलिटिक अटैक विद द इन द सिस्टम, एंड इफ एनी हाउ सी गेट्स दिस साइफर टेक्स्ट, सी गेट्स दिस साइफर टेक्स्ट, so he is not able to get this in the readable format because the communication is confidential between A and D. मतलब यही दो लोग क्या है, मतलब ये कम्युनिकेशन में पार्टीज हैं. लाइक अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि अगर एक कस्टमर है एंड ही इज ट्रांजेक्ट सम पर्सन और एनी अदर बैंक शुड नॉट गेट दिस इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच मनी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ए कस्टमर एंड द बैंक SBI हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो ये हुआ इन जनरल सेंस द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि मतलब हमने कितना रुपया ट्रांजेक्ट किया. अगर आप जाते हैं किसी बैंक में और वहां पूछते हैं कि सर यहाँ पे एक कस्टमर है XYZ जिसने कि इस पर्टिकुलर डेट में ये कितना अमाउंट ट्रांजेक्ट किया आप मुझे बताइए, तो ही विल नॉट गिव यू दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल बिटवीन दैट बैंक एंड द कस्टमर. ओके, बट इफ द कस्टमर विल गो एंड वॉन्ट टू गेट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कि एक पर्टिकुलर डेट में इस पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है मेरे अकाउंट से, तो दे विल प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू हिम. सो इन दिस केस दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. और जो प्रीवियस ट्रेडिशनल टर्म में थे वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन की जाती थी, विथ द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. अब मैं पूछूं कि व्हाट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, देन व्हाट यू विल रिस्पॉन्ड, व्हाट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, यस स्टूडेंट, व्हाट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. ओके, वी गॉट सम टेक्स्ट द सीक्रेट की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. देन इफ मधु मधु इज इफ योर दिस इज द आंसर, देन असिमेट्रिक इंक्रिप्शन वी आल्सो यूज द सीक्रेट की. ठीक है, सीक्रेट की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फंक्शन. अगेन अगेन व्हेन वी यूज ओनली वन की टू बोथ, और द सेम की इज यूज्ड एट द सेंडर साइड एज वेल एज रिसीवर साइड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, देन दैट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सेम सेम. यहाँ जो इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन हो रहा है वहां क्या की सेम है, दोनों साइड जब की सेम है तो वो सिमेट्रिक होता है. कैन यू गिव मी एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल रिलेटेड विथ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल.
सर जैसे मूवी में हम लोग देखते थे कोई मिशन पे जाता है तो एक की बताया जाता है, अगर वो की वो बोलेगा तभी उसे इन्फॉर्मेशन कुछ दिया जाएगा, शायद ये सिमेट्री का एग्जांपल है। यस, सिमेट्री का ये भी एग्जांपल। और आई थिंक इन प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक बहुत डिटेल में पढ़ाया था, डीईएस, डेटा इंक्रिप्शन यस सर, स्टैंडर्ड, डीईएस पे। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर। ओके, क्योंकि वहां पे जो हर एक स्टेज में सबकी बनते थे वो उसके रिस्पेक्टिव जो आपके स्टेज होते थे अपोजिट साइड में फॉर द डिक्रिप्शन, उसी सबकी का यूज किया जाता था। ठीक है, तो जहां पे सेम की होगा फॉर इंक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्री के केस में चला जाएगा। और जहां पे क्या होगा, अलग अलग होंगी इन केस ऑफ, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था आरएसए में, आरएसए में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे प्राइवेट की और पब्लिक की का जनरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर पब्लिक की प्राइवेट की कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक की। ठीक है, चलिए, तो सिमेट्रिक की का यूज किया जाता था पास्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी, मैसेज के कॉन्फिडेंशियलिटी को रखने के लिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे आपने सीजर साइफर वगैरह पढ़ा होगा, तो ये भी आपका एक सिमेट्रिक साइफर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कंसिडर करते हैं टिपिकल सिनेरियो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। वर्क स्टेशन ऑन लैन एसेस अदर वर्क स्टेशन एंड सर्वर ऑन लैन। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, चूंकि वो इंट्रा कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंट्रा नेटवर्क है, तो इंट्रा नेटवर्क के बीच में जो की का जनरेशन किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन, वो क्या किया जाता है, वो भी आपका सिमेट्रिक की का एग्जाम्पल है। लैन इंटरकनेक्टेड यूजिंग द स्विच एंड द राउटर विथ एक्सटर्नल लाइन और रेडियो और सेटेलाइट लिंक। तो यहाँ ये सब कुछ एग्जाम्पल है जहां पे कि ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जहां पे कि आपका सिमेट्री की का यूज किया जाता है फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस। ओके, कंसिडर अटैक एंड प्लेसमेंट इन दिस सिनेरियो, मतलब यहाँ पे जो अटैक और प्लेसमेंट ऑफ इंक्रिप्शन कहाँ पे किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आपका स्नूपिंग हो सकता है फ्रॉम अदर वर्क स्टेशन, मतलब कि आपका एक जो आपका नेटवर्क है, एक जो आपका नेटवर्क है इसमें कोई अदर वर्क स्टेशन भी कनेक्ट करके क्या क्या कर सकता है, स्नूप कर सकता है, सुन सकता है कि क्या क्या बातें हो रही हैं। ओके, क्या क्या बातें हो रही, क्या क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्या साइफर टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है, क्या पॉसिबल, क्योंकि अगर इसने, अगर वर्क स्टेशन ए ने वर्क स्टेशन एक्स के साथ कम्युनिकेट किया, एक्स मान लीजिए कोई इंट्रूडर है, ठीक है, जो नेटवर्क है वो पहले ए बी सी के बीच में था, एक्स मान लीजिए कि कोई इंट्रूडर की तरह इस नेटवर्क में ऐड हो गया है। अब ये ऐड हो गया और इफ अ कम्युनिकेशन इज मेड बिटवीन ए एंड एक्स, तो क्या हो जाएगा, इस केस में ए विल ऑल्सो गेट द की, ए विल ऑल्सो गेट द की। और जब इसको ये की का पता चल जाएगा तो ये, अगर ए और सी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन अब खत्म हो गया, ए और सी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, चूंकि इसके पास की है, तो ये क्या कर सकता है, अब इस साइफर टेक्स्ट को क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ डिक्रिप्शन ये इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ स्नूपिंग वी कैन डू द अटैक ऑन दिस, यूज डायल इन टू लैन और सर्वर टू स्नूप, मतलब डायलिंग कनेक्शन पहले होते थे, क्या होता था कि हमारा जब ये 4G के पहले जब 3G का कनेक्शन था, तो 3G में क्या होता था, जब हम कनेक्ट होते तो हमें डायल अप करना पड़ता था, या जब सबसे पहले हमारा, जब उससे पहले की भी बात करें, जब हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास डायल अप फोन होते थे, तो वहां पे कनेक्शन मतलब नेट से जुड़ने के लिए क्या होता था, डायल अप के फॉर्म में हम वहां पे कम्युनिकेट करते थे। तो डायल अप में ही अगर हम स्नूप कर लेंगे तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वी कैन गेट द कम्युनिकेशन और व्हाट एवर द मैसेज ट्रांसमिटेड इन दैट। यूज एक्सटर्नल राउटर लिंक टू एंटर एंड स्नूप, हम एक एक्सटर्नल राउटर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउटर हम क्या कर सकते हैं, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, नेटवर्क है, उसको हम वायरलेसली भी हैंडल कर सकते हैं और उसमें स्नूपिंग की जा सकती है। मॉनिटर्स और मॉडिफाई ट्रैफिक वन एक्सटर्नल लिंक, तो दीज आर सम ऑफ द अटैक्स विच कैन बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस। ओके,
तो नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, उसी को और डिटेल में जानते हैं। हैव मेजर प्लेसमेंट अल्टरनेटिव, मतलब कि हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी को कहाँ बना के रखें, कहाँ कहाँ पॉइंट है। तो हम वी हैव अ मेजर प्लेसमेंट अल्टरनेटिव, लाइक हम लिंक में इंक्रिप्शन कर सकते हैं या फिर हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन कर सकते हैं। ओके, एंड टू एंड इट मीन्स कि आपका हो गया कि जैसे कि आपका एक सिस्टम है ए और दूसरा सिस्टम है बी, तो हम क्या किए, एंड टू एंड ए और बी के बीच में इंक्रिप्शन लगा दें। लिंक इंक्रिप्शन इट मीन जो चैनल, जो कम्युनिकेशन चैनल है, हम वहां पे इंक्रिप्शन लगा दें। तो इंक्रिप्शन ऑकर्स इंडिपेंडेंटली ऑन एवरी लिंक, मतलब कि जो भी लिंक है इससे कम्युनिकेट हो रहे हैं, हम सब पे ये क्या कर दिए, इंक्रिप्शन लगा दिए, सब पे अलग अलग इंक्रिप्शन है। Implies must decrypt traffic between link. अब यहाँ पे जो ये इंक्रिप्शन लगाया गया है, इट कैन ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द ट्रैफिक ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे रिक्वायर्स मेनी डिवाइसेस बट पेयर्ड की। अब बिकॉज ये जो लिंक पे हमारा इंक्रिप्शन किया गया है, अब हर एक लिंक पे जो कम्युनिकेशन है, इसमें अब हमें इंक्रिप्शन करने के लिए, डिक्रिप्शन करने के लिए, इट मे पॉसिबल दैट वी नीड सेवरल डिवाइसेस ऑल्सो टू डू दिस पर्पस। बट जो पेयर होगा वो अलग होगा। अगर ए और बी में जो कम्युनिकेट हो रहा होगा, जो की होगा दैट इज डिफरेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन टेकन बिटवीन द ए एंड सी। ओके, ए एंड सी बोथ विल बी द डिफरेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन इंक्रिप्शन। नाउ कम अपॉन टू द एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है, इंक्रिप्शन ऑकर्स बिटवीन ओरिजिनल सोर्स एंड फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, इट मीन्स कि वी कैन हैव टू नोड्स ए एंड बी। नाउ इट इज पॉसिबल दैट वी हैव कम्युनिकेशन लिंक लाइक दिस। सो अगर आपका लिंक इंक्रिप्शन हो रहा होगा, तो क्या होगा कि इस लिंक से इस लिंक के बीच इंक्रिप्शन होगा। यहाँ पे तीन लिंक आपको दिख रहे होंगे, एक लिंक है L1, ये है L2, ये है L3 ये। अब चूंकि अगर ए और बी के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इंटरमीडिएट हमारे पास क्या आ सकते हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिंक इंक्रिप्शन करेंगे, तो इट विल बी नॉट बी फिजिबल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हमें लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे की वगैरह का यूज करना पड़ेगा फॉर द कम्युनिकेशन, तो इट नॉट बी फिजिबल इन दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो। इट मीन्स कि आपका जो एंड है ए और एंड है बी, इन दोनों के बीच में आपका इंक्रिप्शन हो रहा हो। ये कैसे पॉसिबल है, बाय एनी मीन्स, लाइक इन सिंपल केस, इफ आई एम टॉकिंग सीजर साइफर, तो सीजर साइफर में आपका ए और बी को डिफरेंट डिफरेंट कीज मतलब सेम कीज पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिंक इंक्रिप्शन में हम डिफरेंट की का यूज कर रहे थे, वो हमारा क्या हो जाएगा, उससे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अब हम के आई अगर यूज कर रहे हैं, तो इस एंड में भी के आई का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंक्रिप्शन कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन। नीड डिवाइसेस एट ईच एंड विद द शेयर्ड की, एज आई टोल्ड यू। ओके, सो वी कैन प्लेस द इंक्रिप्शन एट द लिंक एज वेल एज एट द एंड साइड ऑल्सो। Now we come upon to the next topic, which is traffic analysis. And I think you know about what is traffic. Can anyone tell me what is traffic and why traffic is very important? Yes, student. What is traffic and why traffic is very important in the communication? सर, कम्युनिकेशन के दौरान डेटा लॉस ना हो जाए या फिर डेटा पे अटैक ना हो जाए, इसलिए ट्रैफिक जरूरी है।
Okay, can you give me any kind of example where there is a need of analysis of the traffic? Any example, any approach? सर सारे अटैक्स को देख सकते हैं जो भी अटैक होते हैं। अच्छा, हैव यू स्टडीड अबाउट CSMA? नो सर। CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस. नो सर। ओके, सो इन इन सच अ सिनेरियो, उसमें क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि इफ देर इज अ टू, देर इज अ टू पार्टी अमंग विच देर इज अ कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस. एंड यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल एसेस होता है कि वी कैन हैव अ सेवरल नोड्स ऑल्सो. ए और बी तो एक नोड है, साथ ही साथ हमारे और भी अदर नोड है, मल्टीपल यहाँ पे नोड्स. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये लिंक तो एक ही है, ये लिंक हमारे पास क्या है, सिंगल लिंक है. अब यहाँ हम इसी लिंक के हेल्प से हमें सारा ये जो कम्युनिकेशन है, ए से एक्स के बीच में, एक्स से ए के बीच में, वाई से ए के बीच में, जेड से ए के बीच में, एक्स से बी, एक्स से वाई, एक्स से जेड, तो इस टाइप के बहुत सारे कम्युनिकेशन पॉसिबल है. बट एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम अगर क्या होगा, ए कम्युनिकेट कर रहा होगा बी से, और उसी समय जेड भी क्या होगा, अगर डेटा ट्रांसमिट करेगा एक्स को, तो इस केस में क्या होगा, देर विल बी अ कोलिजन एट अ सर्टेन पॉइंट. देर विल बी अ कोलिजन एट अ सर्टेन पॉइंट. एंड इस कोलिजन से क्या होगा, कोलिजन से ये होगा कि आपका जो डेटा डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा था, आइदर डेटा विल बी गेट करप्टेड, डेटा विल बी करप्टेड, और ड्यू टू हाई ट्रैफिक वो क्या हो जाएगा, पैकेट का लॉस भी हो सकता है. ओके, जो पैकेट आपने भेजा वो बफर में जाकर के स्टोर हुआ नहीं और वो क्या हो गया, लॉस हो गया. तो दीज आर सर्टन सिचुएशन विच कैन ऑकर, एंड दीज ऑल सिचुएशन इज ड्यू टू द ट्रैफिक इन द नेटवर्क. दैट्स वाई वी नीड टू हैव द नॉलेज अबाउट द ट्रैफिक इन आवर सिस्टम, सो वी डू द ट्रैफिक एनालिसिस. व्हेन एंड टू एंड इंक्रिप्शन मस्ट लीव हेडर इन क्लियर. क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि चेकसम होता है या MD5 होता है, कुछ इस टाइप के भी पढ़े होंगे आपने, कि अगर जो हम डेटा ट्रांसमिट करें ए और बी के बीच में, तो अगर पैकेट्स के फॉर्म में हमने किया, तो पैकेट का हमने क्या किया, एक चेकसम क्रिएट. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस चेकसम वी डिटेक्ट दैट कि जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है बी को, क्या वो वही डेटा है, वही सारे पैकेट्स हैं जो कि ट्रांसमिट किए गए थे ए के द्वारा या नहीं. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, एज यू नो दैट कि आपका जब OSI लेयर से डेटा बाहर की ओर, नीचे ऊपर से नीचे की ओर, जो 7 लेयर्स हैं ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, तो ईच एंड एवरी लेयर्स पे कुछ हेडर एंड कहीं पे हेडर और कहीं पे ट्रेल ऑल्सो जुड़ते जाते हैं आपके, किसके साथ, डेटा के साथ जुड़ते जाते हैं. तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपका हेडर होगा, जो हेडर पार्ट होगा, वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सो नेटवर्क कैन करेक्टली रूट इंफॉर्मेशन. रूट इंफॉर्मेशन इट मीन्स कि कहाँ से, जैसा कि मैंने बात कहा था कि देर कैन बी सो मेनी इंटरमीडिएट नोड बिटवीन बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी. तो अगर यहां से जो हेडर पास हुआ अलोंग विथ द डेटा, वो लास्ट में वही हेडर जाना चाहिए, तभी, क्योंकि हेडर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंटेन होता है, रूट कौन सा हमें लेना है, वो स्ट्रिक्ट रूट है या वी कैन चेंज द रूट ऑल्सो, और क्या इंफॉर्मेशन है, IP का क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन. तो आपका हेडर क्लियर होना चाहिए ताकि हम जो करेक्ट हमें रूट इंफॉर्मेशन मिले कि हमें किस रूट को फॉलो करते हुए जाना है. हेंस ऑल दो कंटेंट प्रोटेक्टेड ट्रैफिक पैटर्न फॉलो और नॉट, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और ट्रैफिक पैटर्न को, ये भी हो सकता है कि अगर एक पैकेट आपका जो
पाथ था, उसने एक्स वाई जेड लिया, तो दूसरा हो सकता है कि ए बी पाथ को लेते हुए क्या है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ट्रैफिक पैटर्न को फॉलो ना किया जाए, ठीक है, बट स्ट्रिक्ट राउटिंग में दे हैव टू फॉलो द पाथ। आइडियली वॉन्ट बोथ एट वंस, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा कंटेंट प्रोटेक्टेड हो और एज वेल एज जो रूट का इंफॉर्मेशन हो, हेडर का जो इंफॉर्मेशन हो, वो भी हमारा क्या हो, वो भी प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अश्योर दैट द डेटा विच इज सेंट बिटवीन द पार्टीज इज इंटैक्ट। ओके, वी कैन डू द वेरियस काइंड्स ऑफ एरर डिटेक्शन एज वेल एज एरर करेक्शन ऑल्सो। ओके, सो एंड टू एंड प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स डेटा कंटेन ओवर एंटायर पाथ एंड प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन। जो आपका एंड टू एंड प्रोटेक्शन होता है उसमें क्या होता है, डेटा को भी प्रोटेक्ट किया जाता है ओवर द एंटायर पाथ, और ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है कि आपका जो ए और बी बी के बीच में ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है वो, और उनको बीच में जो इंटरमीडिएट नोड है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे कैन रीड द कंटेंट, दे कैन राइट ओवर द कंटेंट, दे कैन एग्जीक्यूट द कंटेंट, दे कैन डू द मल्टीपल ऑपरेशन आर नॉट, ये भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडेड होता है। एंड इवन व्हाट इज द ऑथेंटिकेशन फॉर द पार्टी बी ऑल्सो। लिंक क्या होता है, प्रोटेक्ट्स ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम मॉनिटरिंग। लिंक जो होता है, लिंक प्रोटेक्शन, जैसा कि हमने बात की, लिंक प्रोटेक्शन क्या है, दिस इज द लिंक्स एंड वी कैन प्रोटेक्ट द लिंक। और ये ट्रैफिक फ्लो मतलब कि होता है ना कि जैसे कि क्या कहते हैं उसको, एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, ये कुछ ऐसा ही एमटीयू करके होता है। ओके, एमटीयू इट मींस मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, देख लीजिएगा ये उसका टीसीपी का एक पार्ट है, एक हेडर का ही पार्ट है। तो उसमें ये होता है कि आपका जो लिंक है, लिंक हो सकता है कि बी टू से बी का बीच का लिंक जो है वो ये बता रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ 75 बाइट सेंड कर सकते हैं। और अगर डेटा यहाँ पे क्या होगा कि 150 बाइट का अगर डेटा होगा तो इट विल बी पॉसिबल दैट कि आपका जो पुराना पैकेट होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट या दो से ज्यादा पार्ट में, क्योंकि हेडर और ट्रेलर का भी इंफॉर्मेशन तो कंटेन होता है उसमें, तो हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा पार्ट में हमको ब्रेक करना पड़ेगा डेटा को। तो ये क्या होता है, ट्रैफिक फ्लो को प्रोटेक्ट करता है कौन, बाय द हेल्प ऑफ लिंक प्रोटेक्शन, दिस इज द ट्रैफिक एनालिसिस। नाउ प्लेसमेंट ऑफ इंक्रिप्शन, वेयर वी शुड प्लेस आवर इंक्रिप्शन, कैन प्लेस इंक्रिप्शन फंक्शन एट वेरियस लेयर्स ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल ए पी एस टी एंड डी पी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आप इन किसी भी लेयर्स पे क्या कर सकते हैं, बट आपने पढ़ा होगा कि इंक्रिप्शन मोस्टली अपर लेयर के काम होते हैं, इंक्रिप्शन का काम अपर लेयर का प्रोवाइड करने का होता है। तो लिंक इंक्रिप्शन ऑकर्स एट लेयर 1 एंड 2 एंड एंड टू एंड ऑकर्स एट लेयर 3 4 6 7 3 4 6 5 6 एंड 7। ओके, 7। तो ये जो होते हैं आपका सेशन लेयर का काम नहीं होता, सेशन सिर्फ को सिर्फ मेंटेन करना होता है। तो अपर्स लेयर का काम होता है आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन करना, और डाउन लेयर का काम होता है आपका लिंक इंक्रिप्शन को सपोर्ट करना। ओके, एज मूव हायर लेस इंफॉर्मेशन इज इंक्रिप्टेड बट इट इज मोर सिक्योर थ्रू मोर कॉम्प्लेक्स विथ मोर एंटिटीज एंड कीज। हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वहां पे हमारे क्या होता है, इंक्रिप्शन और कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें पूरे बॉटम पार्ट से भी इंक्रिप्शन मिला है, ऊपर भी इंक्रिप्शन लग रहा है, और ऊपर हो सकता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन लग रहा हो। ओके, सो नाउ कमिंग अपॉन टू द ट्रैफिक एनालिसिस अगेन। तो ट्रैफिक एनालिसिस क्या होगी, इज मॉनिटरिंग ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन पार्टीज, यूजफुल बोथ इन केस ऑफ मिलिट्री एंड कमर्शियल स्पेयर्स,
मिलिट्री आप समझ सकते हैं मिलिट्री में क्यों कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी सारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इट मींस कि अगर कोई भी इवन सप्लाईज का भी अगर ट्रांसमिशन हो रहा है इन केस ऑफ मिलिट्री, तो वहां भी कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत रिक्वायरमेंट होता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ सप्लाई हो रहा है। और इवन कॉमर्शियल स्फीयर में जहाँ की आपका मनी वगैरह आ जाता है, लाइक इन केस ऑफ आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, लाइक इन केस ऑफ बिजनेस सेक्टर ले लो, या आप मार्केट ले लो, कहीं भी आपका अगर कॉमर्शियल स्फीयर हो रहा है और मिलिट्री स्फीयर हो रहा है, बोथ में ये आपका मॉनिटर किए जाते हैं। कम्युनिकेशन फ्लो कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट कोवर्ट चैनल। कोवर्ट चैनल उनको कहा गया, जैसे कि देर मस्ट बी हॉटलाइन टाइप कनेक्शन हो रहा है वहां पे, कि देर इज ओनली टू पार्टी इंटेंडेड और इनको और कोई सुन नहीं पा रहा है, सुन नहीं सकता है या नहीं उनको इंटरप्ट कर सकता है या उसको हैक नहीं किया जा सकता है, दैट कैन क्रिएट द कोवर्ट चैनल। लिंक इंक्रिप्शन ऑब्सक्योर्स हेडर डिटेल बट ओवरऑल ट्रैफिक वॉल्यूम इन नेटवर्क एंड एट द एंड पॉइंट इज स्टिल विजिबल। ओके, हेडर डिटेल को लिंक इंक्रिप्शन मतलब लिंक इंक्रिप्शन को हेडर डिटेल से उतना बचाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ट्रैफिक वॉल्यूम को देखता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम कितना ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे के बीच। ओके, ट्रैफिक पैडिंग कैन फर्दर ऑब्सक्योर फ्लो बट एट द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूस ट्रैफिक। ट्रैफिक की पैडिंग भी की जा सकती है, हो सकता है कि कहीं कहीं पे पैडिंग की जाती है डेटा की, हो सकता है जो लास्ट बाइट सेंड किया जा रहा हो, लास्ट लास्ट बाइट में उतना बाइट ना हो जितना कि इंटेंडेड है, कि इतना तो डेटा हमारे पास होना चाहिए, अगर उतना डेटा नहीं है तो वहां पे क्या किया जाएगा, डेटा में पैडिंग की जाएगी, एडिशनल डेटा ऐड किए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये कंटिन्यूस ट्रांसमिशन बना रहे। नाउ वी कम अपॉन टू द की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सिमेट्रिक स्कीम जो होता है, सिमेट्रिक स्कीम रिक्वायर्स बोथ पार्टीज टू शेयर ए कॉमन सीक्रेट, की जैसा कि आप सभी ने पहले बताया। इश्यूज इज हाउ टू सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट दिस की। अब ये एक इश्यू है कि हम कैसे इस की को जो कि कॉमन है दोनों के बीच में कैसे ये कम्युनिकेट करें। तो वी कैन जैसे कि कम्युनिकेशन का वेरियस तरीका हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए हम, हो सकता है कि किसी लेटर के थ्रू भेज दिए, हो सकता है कि टेलीफोनिक से कॉल करके भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। कैसे इसको सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि अब आप जानते हैं कि आपके ईमेल को भी हैक किया जा सकता है, आपके मैसेज को भी कोई ईवसड्रॉप करके रीड कर सकता है, लाइक हाउ वी कैन डू द सेम ही है, उसमें भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि सेम की को भी हम कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज अ सिक्योर ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इसेंशियल इवन फॉर द सिमेट्रिक की ऑल्सो। ऑफन सिक्योर सिस्टम फेलियर ड्यू टू ब्रेक इन द की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ओके, अब ये कम्युनिकेशन फेल कैसे हो सकता है, सिमेट्रिक भी फेल होने के लिए क्या चाहिए, दो अगर जो की यूज किया जा रहा है फॉर द इंक्रिप्शन एज वेल एज फॉर द डिक्रिप्शन, उसी की के बारे में इंट्रूडर को जानकारी है, तो अगर वो इंट्रूडर को जानकारी है, ही कैन कन्वर्ट द अनरीडेबल फॉर्मेट डेटा इन टू द रीडेबल फॉर्मेट इजिली, बिकॉज पूरा वर्क तो क्या है, की पे ही हो रहा है, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू दिस कम्युनिकेशन, तो की डिस्ट्रीब्यूशन को और जानते हैं, गिव्स पार्टीज ए एंड बी हैव वेरियस कीज डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेटिव, ए कैन सेलेक्ट कीज एंड फिजिकली डिलीवर टू बी, ये एक तरीका हो सकता है। थर्ड पार्टी कैन सेलेक्ट एंड डिलीवर की टू ए एंड बी, बट इस केस में क्या होगा, थर्ड पार्टी विल हैव द इंफॉर्मेशन, इफ ए एंड बी हैव कम्युनिकेटेड प्रीवियसली कैन यूज प्रीवियस की टू इनक्रिप्ट ए न्यू की। इट मीन्स कि अगर जो पहले कम्युनिकेशन हुआ था ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था, उस कम्युनिकेशन के दौरान, प्रीवियस जो कम्युनिकेशन हुआ था, प्रीवियस कम्युनिकेशन के दौरान जिस की का यूज किया गया था, उसी की का यूज करते हुए जो न्यू की बना है, न्यू की को क्या किया गया, इनक्रिप्ट कर दिया गया, और इनक्रिप्ट करके क्या किया गया, बी को भेज दिया गया, और पुराने की को यूज करते हुए वो क्या किया, इस जो साइफर टेक्स्ट उसको मिला, साइफर टेक्स्ट मिला, इस साइफर टेक्स्ट को क्या किया गया, डिक्रिप्ट कर लिया, तो उसको क्या हुआ,
कैन रिलाई की बिटवीन ए एंड बी. ओके, देर इज अ थर्ड पार्टी, देर इज अ फ्रेंड बिटवीन ए एंड सी. तो ए क्या करेगा, सी को दे देगा की, और सी क्या करेगा, बी को दे देगा की. सो दिस आर द वेरियस की डिस्ट्रीब्यूशन मैथड यूज इन द कम्युनिकेशन. अब की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो है, इनिशिएटर ए है, रिस्पॉन्डर बी है, तो वाया दिस मैकेनिज्म वी कैन डू द प्रोसेस. ओके ओके, पहले मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आज का अटेंडेंस का, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. ओके स्टूडेंट, आई हैव प्रोवाइडेड लिंक फॉर टुडेज अटेंडेंस, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस. Yes, student, hurry up. I have provided a link for today's attendance. Goldie, Madhu Singh and Babli Kumari has already responded. Right now, 9 students are here. Okay, so this is one of the key distribution scenario. There is a third party or key distribution center here in the form of KDC. आपका जो initiator है, यहाँ पे initiator क्या है? A आपका initiator है और B आपका responder. ठीक है. तो first में क्या हुआ? यहाँ पे आपका एक third party जिसको कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नाम दिया गया KDC. विद द हेल्प ऑफ KDC हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो इसने क्या किया, ए ने की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट किया कि उसको एक की प्रोवाइड किया जाए. तो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई करते हुए की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उसको की प्रोवाइड करेगा. तो ये रिक्वेस्ट हो गया और इस ये क्या हुआ, एक की प्रोवाइड किया जा रहा है KA फॉर द इंक्रिप्शन पर्पस ऑफ A. ओके, और ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है जो रिक्वेस्ट इसको प्रोवाइड किया गया था. ठीक है, तो ये एक सीक्रेट की प्रोवाइड किया जा रहा है, KA, KS और IDA वगैरह ये सब प्रोवाइड किया गया. ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इनिशिएटर थर्ड स्टेप में क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा जो इसको सीक्रेट की मिला है और IDA मिला है उसके हेल्प से किसके बीच में कम्युनिकेट करेगा, रिस्पॉन्डर
के साथ कम्युनिकेट करेगा, और रिस्पॉन्डर फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्डर इसको जब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद रिस्पॉन्डर सीक्रेट की के साथ क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा जो उसको वैल्यू मिली एन टू उसको, और एन टू को इनक्रिप्ट करने के बाद क्या करेगा, वो इनिशिएटर को भेज देगा ए को। फिर इनिशिएटर क्या करेगा, इनिशिएटर फिर से उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि यस आई गॉट योर मैसेज, एंड वो क्या करेगा जो इसके पास फंक्शन फंक्शन के साथ मैकेनिज्म करते हुए जो इसको एन टू मिलेगा उसको फंक्शन के साथ मैकेनिज्म करते हुए इनक्रिप्ट करते हुए केएस के साथ क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्डर को भेज देगा। तो दिस इज द की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म वेयर केडीसी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज वर्किंग। और यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप जो है वो आपका 1, 2 एंड 3 है, और जो ऑथेंटिकेशन स्टेप है वो आपका 3, 4 एंड 5 है। याद रखिएगा 1, 2 एंड 3 आपका की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप है, की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप है, और 3, 4 एंड 5 ये आपका ऑथेंटिकेशन स्टेप है। ओके, विद द हेल्प ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। We will have some of the topic remaining, random number कैसे generate किए जाते हैं, कैसे random number के को generate करके communicate किए जाते हैं, that is the last topic of this module. Okay, so we will meet in next session, students. We will meet in next session. That's all for today's. If you have any kind of query, then you can ask your queries. Hello, sir. Yes, Aman. सर ये ऑथेंटिकेशन वाला जो नीचे का 2 स्टेप था वो थोड़ा फिर से समझा दीजिएगा। ओके, अच्छा ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन इट मींस कि देयर आर 2 पार्टीज, और उसको हम किस टाइप का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन आपने इससे पहले ऑथेंटिकेशन कहीं पढ़ा है ऑथेंटिकेशन को? नो सर, लेकिन बेसिक डिटेल्स मालूम है। यस टेल मी। जैसे कि कोई स्टार्टिंग में मैसेज भेजा जाता है, फिर उस मैसेज के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। यस yes. ये आपने 3-way हैंडशेकिंग पढ़ा होगा ना, 3-way हैंडशेकिंग। यस, यही वो मैकेनिज्म है। ये क्या कर रहा है कि ये इसको इसके साथ कम्युनिकेट किया कि आई हैव अ की केस, और मेरे पास ये आईडी ए ये भेज रहा है केस किसको, इनक्रिप्ट करके बी को। तो इसने बताया कि इसके पास ये है, तो अब इस बी केस को कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा भेजा गया ए का ही भेजा गया है। तो ये ऑथेंटिकेशन एज वेल एज की डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ की भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बी को, एज वेल एज ये ऑथेंटिकेट भी करना चाह रहा है कि मैं ए हूं और मैं ये तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। ओके, तो उस केस में फिर क्या होगा, ये फिर बताएगा गा कि ओके ये मुझे मैसेज मिला जिसमें ये अब क्या होगा, अब ए के साथ बी कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है ना कि ए कोई इंट्रूडर था सी, वो बोल रहा था कि मैं ए हूं और मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, बी डायरेक्टली ए के साथ कम्युनिकेट करेगा, यस हमको एक की मिला और उसने कोई नया नंबर N2 बनाया, ठीक है N2 बनाया, और वो जो की मिला था इसको KS, यहां से जो की मिला KS उसके हेल्प से इसको करके क्या किया, ए को भेज दिया। ओके, ए को भेज दिया, तो ए क्या करेगा, अब ए अपना एक फंक्शन एफ को लगा करके इस जो एन टू मिला, क्योंकि इसको जो केएस को इनक्रिप्ट किया था वो डिक्रिप्ट करके केएस, क्योंकि केएस तो इसी ने भेजा था तो इसके पास केएस होगा ही, ए के पास केएस होगा ही, तो अब उस ए केएस का यूज करके इसको वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, और डिक्रिप्ट कर लेगा तो क्या मिलेगा, उसको एन टू मिल जाएगा, इट मींस के पास एन टू मिल गया। तो एन टू पे फिर क्या करेगा, वो कुछ फंक्शन लगा करके और वही केएस का यूज करके इनक्रिप्ट करके क्या करेगा, बी को भेजेगा। तो बी को पता चलेगा कि उसको भी एन टू मिल गया, मतलब इसने जो मैसेज भेजा था एन टू वो मैसेज इसको फिर से मिल गया एन टू, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये पता चल गया कि ए ने कम्युनिकेट किया केएस जो कि मिला बी को, और बी ने भेजा एन टू उसी की के हेल्प से, तो वो ए को मिल गया। तो ये क्या हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया कि ए और बी के बीच में एक की केएस है, सीक्रेट की केएस है, जिसके हेल्प से हमको क्या करना है, आगे की कम्युनिकेशन को हैपन करना है।
एक थ्री वे हैंडशेकिंग जो होता था हमारा, उस टाइप का ये मैकेनिज्म यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास वहां पे क्या होता था, बताता था कि मेरे पास इतना स्पेस है, मैं आपको ये डेटा भेज रहा हूँ। तो वो क्या होता था, वो रिस्पॉन्ड करता था कि मैं इतनी स्पीड में डेटा भेजूंगा, ठीक है, तो ए को मिल गया, और ए फिर रिप्लाई करता था। तो उसी टाइप से यहाँ थ्री वे हैंड शेकिंग है। डिड यू गॉट माई पॉइंट? यस सर, समझ में आ गया। ओके ओके, सो वी एंड टूडे सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस।